नमस्कार दोस्तों, मृडुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के दो जिलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों का जो चयन है वो मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा और इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, 8वीं 10वीं पास होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ये बातें मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से ना छूटे, आवेदन करते समय आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। पहला विज्ञापन जारी किया गया राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत भृत्य के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 17 अगस्त 2022 तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भृत्य को प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 15,600 रुपए से लेकर 49,400 रुपए तक। भृत्य के टोटल 7 पदों पर भर्ती किया जाएगा। आप लोग यहां वर्गवार आरक्षित पदों की संख्या भी देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इन पदों के लिए केवल जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो 5 जिले आते हैं वही के आवेदक भृत्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानना है कि भृत्य किसे कहते हैं, क्या कार्य होता है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि भृत्य किसे कहते हैं, क्या कार्य होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप लोगों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों का जो चयन है शैक्षणिक योग्यता के अंक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 17 पढ़ सकते हो, यहाँ पर डिटेल से बताया गया किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोगों से कितना आवेदन शुल्क लिया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं उनसे 200 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा और अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों से 300 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। और किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन शुल्क जमा करना है यहाँ पर डिटेल से बताया गया है कि आप लोगों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से संस्था के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा अंबिकापुर के चालू खाता क्रमांक, यहाँ पर खाता क्रमांक का नाम दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। और दोस्तों जब आप लोग आवेदन शुल्क जमा करोगे तो आप लोगों को एक रसीद मिलेगा, उसे आप लोग अपने जो आवेदन पत्र है उसी के साथ अटैच करना है, संलग्न करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो संलग्न है, अटैच है। दोस्तों इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करना। दूसरा विज्ञापन जारी किया गया जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 8 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ पद का नाम देख सकते हो कौन कौन से पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। हेल्पर आया अटेंडेंट के पदों पर भर्ती किया जाएगा टोटल 5 पदों पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं इन पदों के लिए उनके लिए 10वीं पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, छत्तीसगढ़ का ज्ञान उन्हें होना चाहिए जब भी आप लोग आवेदन करें। और पॉइंट नंबर 3, स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आप लोग स्थानीय निवासी हो, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हो, तभी आप लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आप लोग अन्य राज्य में रहते हो और आप लोग आवेदन करते हो तो आप लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हेल्पर आया अटेंडेंट के लिए प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा। तो प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
उन्हें आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोगों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पॉइंट नंबर 8 पढ़ सकते हो, जो आप लोगों का चयन किया जाएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों का जो चयन है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज डॉक्यूमेंट को अटैच करके संलग्न करके 8 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हो। अन्य माध्यम से दोस्तों अगर आप लोग आवेदन करते हो तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी विज्ञापन के नीचे जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो संलग्न है, अटैच है दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए आवेदन कीजिएगा। यहाँ पर डिटेल से बताया गया है, आप लोगों को ये फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना है और फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो भी आप लोग जो पता दिया गया है, जो एड्रेस दिया गया है, उस पर आप लोगों को सेंड कर देना है, भेज देना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इन दोनों विज्ञापनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। और इन विज्ञापनों से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।